स्वच्छ भारत मिशन के तहत कराए गए शौचालय निर्माण की राशि नहीं मिलने से गुस्साए मटसगढ़ा पंचायत के ग्रामीणों ने राशि मांग को लेकर लोरमीकोटा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। आपको बता दें कि कोटा ब्लॉक चौक के जूना पाड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत मटसगढ़ा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरपंच के द्वारा 526 शौचालय निर्माण कराया गया था, जिसकी राशि सरपंच के द्वारा निकाल लेने के बाद भी हितग्राहियों को भुगतान नहीं करने का आरोप ग्राम वासियों के द्वारा लगाए गए हैं। वही राशि पाने के लिए संबंधित कार्यालय के चक्कर लगाते हुए थक गए, पर अधिकारियों के द्वारा किसी प्रकार के ध्यान नहीं देने के कारण शासन प्रशासन के ध्यान आकर्षण करने के लिए वहीं सुबह 9 बजे से ही बरसता पानी में भी महिला पुरुष सहित भारी संख्या में लोग लोरमीकोटा मुख्य मार्ग पर पहुंचकर घंटों चक्का जाम कर दिया गया, जिससे दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसमें कई मरीजों के साथ साथ PSC के परीक्षा दिलाने के लिए जाने वाले परीक्षार्थी भी इस जाम में फंसे रहे। वहीं कोटा SDM एवं अधिकारियों के लाख समझाने एवं मशक्कत के बाद भी ग्रामीणों ने सरपंच सचिव को बुलाने की बात पर डटे रहे। किस मुद्दे को लेकर आज चक्का जाम किया, क्या क्या मुख्य मांगे हैं आप? हमारे यहाँ सेफ्टी का जो पैसा है वो नहीं, वहाँ से पैसा नहीं लग चुका, और कलेक्टर साहब के पास दो बार गए, CM साहब के पास भी गए, हम लोग दो बार तहसीलदार साहब के भी पास गए, हमारा लिए काम नहीं हुआ, फिर चक्का जाम का हम लोग आदेश। कितने बजे चक्का जाम के? हमारा है 10 बजे। अगर कहीं आपकी मांग पूरा नहीं होती तो इसी स्थिति में क्या करेंगे आप? हमारा मांग नहीं पूरा होगा तब तक, हमारा मांग नहीं पूरा होगा तब तक हम यहाँ से चक्का जाम नहीं। कितने लोगों के शौचालय निर्माण की राशि मांगी? हमारे पूरा गाँव के 526 का। एक भी व्यक्ति का पेमेंट नहीं हुआ? एक भी व्यक्ति का नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप लोग अभी? हमारा ये कहना है कि हमारे जो जितना भी सेफ्टी का विशेष राशि बचा हुआ है उसको दे और हम लोग कार्रवाई वापस। क्या नाम है आप? मेरा संजय। वहीं इस चक्का जाम में ग्रामीण महिलाओं ने भी मोर्चा संभाले हुए थे, जो उनके द्वारा भी सरपंच सचिव से शौचालय निर्माण की राशि दिलाने की मांग पर आते रहे। यदि सरपंच के द्वारा राशि नहीं दी जाती है तो चक्का जाम नहीं खोलने की बात कहते हुए महिलाओं के द्वारा जम कर नारेबाजी करते रहे। चक्का जाम किया गया? चक्का जाम करे हैं शौचालय के बारे में। कैसे शौचालय के बारे में? शौचालय में बने नहीं है, पैसा निकाल के खा रहे हैं। एक तो आप बोलो था कि शौचालय बने नहीं है, फिर पैसा निकाल के खा गए, तो फिर आप पैसा का मांग करके आप चक्का जाम करा था, ये दोनों बात कहाँ ले जाते थे? बन गए ले गए। कितना आदमी के निर्माण बाकी है? कितना आदमी के पैसा बाकी है? कौन पंचायत के बात है? अगर कहीं आपके पैसा भी नहीं मिल पाता तो इसकी चिंता करिए। क्या नाम है आपके? वहीं पंडा तराई की रहने वाली रोशनी यादव, जो PSC के परीक्षा दिलाने के लिए डॉक्टर CB रमन विद्यालय के लिए निकली ही थी कि घंटों जाम में फंसने से परीक्षा से वंचित होना पड़ा। तो आज हमारा एग्जाम था MSc प्रैक्टिकल का CB रमन यूनिवर्सिटी में, हम जा भी नहीं पाए, 10:15 से यहाँ फंसे हुए, बहुत परेशानी हो रही है। पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहिए ना, जो भी है अपनी बात है, जिसको बोलना है उसको बोलना, बहुत परेशान। कहाँ रहने वाली? मैं पांडात्री से आई हूँ और मेरे कोटा जाना एग्जाम दिलाने के। क्या नाम है? राजकुमारी। इस जाम में कोटा SDM आशुतोष चतुर्वेदी ने भी ग्रामीणों को लाग समझाने की कोशिश की, पर ग्रामीण नहीं माने। अभी तक निराकरण क्यों नहीं हुआ? देखिए, जांच रिपोर्ट मैंने देखी है, उसमें से मैक्सिमम भुगतान हो गया है, 70 लोगों से बैंक खातों का डिटेल मांगा जा रहा है, उसका भुगतान कर दिया जा रहा है। सर, इसका भी निराकरण क्या निकल पाया? लोगों को समझाइश दी जा रही है, उन सभी से आग्रह किया गया कि रोड खाली करना है, जो व्यवस्था चलो लोगों का मांग है, उच्च अधिकारियों की मांग की जा रही है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? उच्च अधिकारी यानी कि कलेक्टर रेंज के व्यक्ति से मांग कर रहे हैं कलेक्टर। चलो 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 चलो। वहीं प्रशासन के अधिकारियों द्वारा अल्टीमेटम देने के बाद सही ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन ग्रामीणों ने जीत पर अड़े रहे और आज सुबह से चक्का जाम किया गया, जहां कोटा तखतपुर जूनापाड़ा से भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात थे।
अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन किस प्रकार इस ग्रामीणों को समझा पाती है और कैसे घंटों चल रहे इस चक्का जाम को हटाने में सफलता पाती है।